योगी जी उस दिन को भूल गए जिस दिन संसद में जाकर रोए थे। उस समय कौन सी बात थी जो तुम्हारे आंसू वहां फूट फूट के संसद में निकले? आज पूरे देश के खिलाफ षड्यंत्र से जा रहा है, पूरे देश को गुलाम बनाने की तैयारी कर दी लोगों ने। सरकार अपने पास रखना क्या चाहती है? सब कुछ पूंजीपतियों को बिगड़ना चाहती है? आगे जाकर देश का भविष्य खतरे में जा रहा है। देश में रोजगार बता दो, देश की अर्थव्यवस्था बता दो, देश की अर्थव्यवस्था सुगड़ती जा रही है। बैंक कर्मचारी बेचारे पीछे हड़ताल में बैठ गए, सारी चीज प्राइवेटीकरण करते जा रहे। लोगों की मनमानी नहीं चलेगी। ये देश आजाद भारत है और ये किसान सबसे बड़ा देशभक्त है। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, नमस्कार। आप देख रहे हैं DS4 न्यूज और इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहां पर जो है एक रैली निकाली जा रही है और रैली में जो है आज शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को याद किया जा रहा है और यहां पर जो है प्रदर्शन जो है वो हो रहे हैं। लेकिन आज इस दिन रैली निकाल करके लोगों के बीच भगत सिंह की यादों को ताजा की जा रही है और साथ ही साथ लड़ाई को और मजबूत बनाने को लेकर के तमाम तरीके के वो तैयारियां की जा रही है। यहां देख सकते हैं बड़ी तादाद में किसान मौजूद है। सबसे खास बात ये है कि इसमें बहुत सारे नौजवान हैं। कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन जो है धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, लेकिन भीड़ जो है वो बरकरार दिख रही है। यहाँ पर अच्छे खासी तादाद में नौजवान भी है और यहाँ पर जो है बुज़ुर्ग भी अच्छी तादाद में है, जो भरी पूरी तरीके से ठंड के दिन में भी नहीं जा चुके गए थे वो भी आज यहाँ पर मौजूद हैं और वो जो है आज शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहीदी दिवस पर यहाँ पर मौजूद है और प्रदर्शन को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। किसानों का मानना है कि वो अब इस पूरे मसले पर जो है वो चुप नहीं बैठने वाले हैं, सरकार को झुकना ही पड़ेगा, उनका ये उम्मीद है। लेकिन क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ इस वक्त जो है प्रदर्शन जारी है और एक रैली निकाल करके इसे गाजीपुर बॉर्डर के इलाकों में लोगों के बीच तीनों शहीद आजमों यानी सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को लेकर के याद किया जा रहा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। तो शहीदी दिवस पर आज हम बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आज जो है शहादत दिवस है और किसान आंदोलन है, इस दोनों के संदर्भ में क्या आप सोचते हैं? जो गुलामी आज देश में हालात ऐसे हो गए, हर चीज प्राइवेटीकरण करती जा रही है सरकार, प्राइवेट कुछ पूंजीपतियों को बेचती जा रही है देश की सारी संपत्ति, उसके खिलाफ में आंदोलन है। किसानों की फसल पर जो ये काले कानून लेकर आए हैं उसको वापसी करने के लिए किसान लगातार धरने पर बैठे हैं और 300 से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों ने शहादत दी है। आखिर कब तक बैठे रहिएगा? कुछ आगे पीछे करके बातें मान लेते क्यों नहीं जाते? जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी, काले कानून वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान अड़े रहेंगे, डटे रहेंगे यहाँ और लगातार ये आंदोलन चलता रहेगा। 300 से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों ने शहादत दी है इस आंदोलन में और आगे भी ये कारवा बढ़ता रहेगा जब तक ये सरकार जो आज गद्दी पे बैठी है अपने कर्मों से बाज नहीं आएगी, ये काले कानून वापसी नहीं लेगी, MSP पे गारंटी कानून नहीं बनाएगी, ये किसान अड़के यहाँ लगातार बैठा रहेगा। तो कह रहे हैं कि आप भोले भाले मासूम हैं, आपको विपक्ष भड़का रहा है। भाई देश में जब ये विपक्ष में जब ना भड़का रहे हैं, ये लोग जो अपने मैनिफेस्टो में लाए एक भी काम इन्होंने कर तो बताओ हमें। आज देश के हालात बता दो, देश में रोजगार बता दो, देश की अर्थव्यवस्था बता दो, देश की अर्थव्यवस्था सुगड़ती जा रही है। बैंक कर्मचारी बेचारे पीछे हड़ताल में बैठ गए, सारी चीज़ प्राइवेटीकरण करते जा रहे हैं, कुछ पूंजीपति ने पूरा देश बेचते जा रहे हैं। ये क्या आज देश गुलामी की तरफ नहीं जा रहा है पूंजीपतियों के पास में? सरकार अपने पास रखना क्या चाहती है? सब कुछ पूंजीपतियों को बिगड़ना चाहती है? आगे जाकर देश का भविष्य खतरे में जा रहा है। ऐसे बैठे रहिएगा तो फिर खेती किसानी कैसे होगा? आप इतने किसानों को बैठाए हैं। भाई किसान हम खेती भी कर रहे हैं, हमारे बच्चे वहाँ खेती भी कर रहे हैं और यहाँ धरने पे बैठे हैं। हमारा सिस्टम है, हम खेती भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे और देश के लिए लड़ाई भी लड़ेंगे और देश के लिए शहादत भी देंगे। योगी जी कह रहे हैं कि आपको विपक्ष भड़का रहा है, आप बहकावे में आकर के ये सब कर रहे हैं। योगी जी उस दिन को भूल गए जिस दिन संसद में जाकर रोए थे। उस समय कौन सी बात थी जो तुम्हारे आंसू वहाँ फूट फूट के संसद में निकले? तुमने कहा कुछ षड्यंत्र तुम्हारे पास रचे जा रहे हैं। आज पूरे देश के खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहा है, पूरे देश को गुलाम बनाने की तैयारी कर दी लोगों ने, पूंजीपतियों का पूरा देश बेचने जा रहे हैं ये लोग। ऐसा नहीं चलेगा अब इस देश में, इन लोगों की मनमानी नहीं चलेगी। ये देश आजाद भारत है और ये किसान सबसे बड़ा देशभक्त है। एक बेटा अपने फौज में एक किसान ने दिया वहाँ देश की रक्षा के लिए, दूसरा बेटा जो यहाँ अन्न पैदा करता है पूंजीपतियों का, इन्हें क्या पता पूंजीपतियों ने? कोरोना में इन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्री कंपनी बंद कर दी इन्होंने। इस देश का जो मान सम्मान रखा, इस देश को जो पालने का पेट भरने का काम करो किसान ने करा।
तो देख सकते हैं आपके किसानों के अंदर आज भी बौखलाहट है, जितना पहले दिन था आज उतना अभी आज है। आज सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह जिन्होंने हमारे देश के लिए चाहते थे, उन्हें मौका था भाई आप जो पीछे हट जाओ आपको जीवनदान मिल जाएगा, उन्होंने कहा नहीं हम मरना मंजूर करेंगे, फांसी का फंदा मंजूर है, हमारी आने वाली नस्लों का पैगाम जाएगा कि गुलामी की जिंदगी बेकार है, आजादी जिंदगी। तो ये घर होते तो रोजगार करते ना नौजवान, तो यहाँ पर ये लाठी डंडे ढो रहे हैं, तो नौजवानों भी तो फंसे हुए हैं ना भाई। ये नौजवानों के पास रोजगार है कहाँ, किसान की खेती है, कटाई आ रही है, कटाई करने चले जाएंगे लोग, उसके बाद में भी चार पांच दिन पे एक हफ्ता भी गेहूं की कटाई में है, उनके पास रोजगार नहीं है, 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला, बताओ ना कहाँ रोजगार है। हर साल बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, कंपनियां बंद होती जा रही हैं, कोरोना काल से तक बता दो ना कितने लोग बेरोजगार हुए हैं, आंकड़े निकाल कर देखो ना, सब चीज़ प्राइवेटीकरण करते जा रहे हैं, अभी बैंक कर्मचारी ने हड़ताल करी है, और रोजगार है कहाँ देश में, सारा युवा बेरोजगार घूम रहा है। आज अगर ये सही दिशा में सही नीति देश में लाते तो शायद इतने युवाओं को यहाँ बैठना नहीं पड़ता धरने पे, आज ये आंदोलन जरूरत नहीं पड़ती अगर सही काम करते तो। ये नीति देश विरोधी नीति लेकर आ रहे सिर्फ कुछ पूंजीपतियों के फायदे के लिए, बाकी देश में अगर ये अच्छा काम करते तो हम भी तारीफ करते भाई। 370 धारा हटाई इन्होंने, हमने कहा भी ठीक काम करा इन्होंने, 2 बच्चों का कानून आना था, ये किसानों के खिलाफ कानून ले आए, बेरोजगारी पे कानून आना था भी, कोई बेरोजगार ना रहे देश में, शिक्षा के लिए अच्छे संस्थान बनने थे, आज बताओ कहाँ से अच्छे संस्थान की बात छोड़ो, देश में खाने तक के लाले पड़ रहे हमारे देश में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है किसान प्रदर्शन चल रहा है, बड़ी संख्या में नौजवान भी हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, और इनका मानना है कि किसान आंदोलन को रद्द करना चाहिए, आज शहीद आजम भगत सिंह की शहीदी दिवस है, इसको भी ये किसान ताज़ा कर रहे हैं, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हर हाल में डटे हुए हैं और यहीं रहेंगे जब तक सरकार इनकी बातें नहीं मानती। सरकार को मानना पड़ेगा या नहीं मानना पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन किसानों के अंदर हौसलों की कमी नहीं है, कमी होती है तो हर रोज़ कुछ ना कुछ करके किसान जो है अपने स्तर को अपने हौसले को बुलंद करता है और बना रहता है इस आंदोलन में। देश के यही नहीं, गाजीपुर बॉर्डर ही नहीं, टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और शाहजहांपुर बॉर्डर पर भी किसान आज प्रोग्राम कर रहे हैं, और हर रोज़ कुछ प्रोग्राम करके किसान बाकी लोगों को हौसला दे रहे हैं और किसान आंदोलन को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही आपको हम बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, आपको हर घटना से यहाँ की रूबरू कराते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए DS4 News। नमस्कार।